मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और साईं बाबा के दर्शन कर नया साल मनाया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में नए संकल्प, नई उमंग और नए उत्साह के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, उसका मुकाबला जन सहयोग से करना है। आवश्यक व्यवस्थाएं बना ली गई है, लेकिन सजग रहना है, सतर्क रहना है, कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करना है। नए साल में समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प को और आगे बढ़ाना है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, अधोसंरचना का विकास करना ताकि अर्थव्यवस्था गतिमान बनी रहे और हम और बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को दे पाए। सुशासन के नए मापदंड स्थापित करना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर काम की आवश्यकता है। सीएम राइज स्कूल का निर्माण इस साल प्रारंभ हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना के रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। सृजन ताकि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के नए प्रतिमान गढ़ता रहे, लेकिन यह होगा प्रदेश की जनता के सहयोग से। इसलिए जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश का, उसी पर चलकर हम सब आइए मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में अपना योगदान दें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।